सबसे पहले हम आई प्रेप करेंगे ऑब्वियसली, एंड आई एम यूजिंग माई कलर एसेंस का पैन स्टिक टू डू दिस. आपको कुछ तो बेस चाहिए, यू नो, फाउंडेशन या कंसीलर कुछ तो लगा लेना चाहिए. ब्लेंड कर रही हूँ, आईज को कंट्रोल करेंगे एंड यूजिंग अ स्मॉल ब्रश मैं सबसे पहले क्रीज बनाऊंगी. हमेशा की तरह आई एम यूजिंग माई नेशियो का ब्रॉन्जर और इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्रीज पे अप्लाई करेंगे. आई लाइक नेशियोज ब्रॉन्जर इन ट्रांजिशन बिकॉज वो क्रीज पे ना बहुत ज़्यादा दिखता भी नहीं है और फिर भी काम हो जाता है. दिस कलर विल यूज इन साइड एंड दिस कलर विल यूज आउट साइड फॉर स्मोकी आई. इनर हाफ इज लाइट लवेंडर, स्मोकी आई इज ओनली टूवर्ड्स द आउट साइड. दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू डू. Okay, so I'm done with the whole makeup and I'm back. And आप देख रहे हो कैसे पूरा मेकअप होने के बाद आँखें थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है. सो एट दिस पॉइंट इफ यू वॉन्ट यू कैन री अप्लाई एवरीथिंग. आई एम जस्ट गोना कीप इट दिस वे बिकॉज ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत लाइलैक लवेंडर डे लुक लग रहा है मुझे. दो मेन चीज़ें थी प्रियंका चोपड़ा के लुक में, हर गॉर्जियस गॉर्जियस आईज. सो वी आर क्विकली गोना फिनिश द आईज और उसके बाद विल मूव ऑन टू द लिप्स, क्योंकि उसने लिपस्टिक भी बहुत खूबसूरत लगाई हुई थी. Now let's move on to contour and highlight. ये मेरा absolutely favorite palette है for contour because इसका ये जो brown shade है this is amazing for Indian skin. और ये दोनों shades मिलाकर अगर हम highlight करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है. She was wearing a nice purplish shade of lipstick. अच्छा प्यारा सा वेरी इंडियन पर्पल कलर था. सो मेरे पास तो ऑब्वियसली वो कलर है नहीं. सो हम एक ट्रिक करेंगे, मैं पहले ये पिंक वाली लिपस्टिक अप्लाई करूँ. ओके, सो मैंने ये पिंक लिपस्टिक इसीलिए यूज़ की है क्योंकि इस पिंक को पर्पल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा. एंड टेक द कलर दैट वी यूज. सो वो डार्कर शेड मैंने अपने हाथों पर ले लिया इस तरह से एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन द लिप्स. Yeah, that was me trying to recreate Priyanka Chopra's look for Meghan Markle's wedding. She had this amazing lavender eye with a little smoky thing going out and the gorgeous lips. She also had a nice pink shade, but maine filhal wo nahi lagaya hai because mujhe blush nahi lagana. But besides that, I hope the whole look is similar and matching and you like it. I feel this look was really wearable on daily basis. तो अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हो या आपका जॉब इस तरह का है कि आपको एवरीडे मेकअप यूज़ करना पड़ता है तो आप बड़ी आसानी से ये पूरा लुक कैरी कर सकते हो. अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लुक फॉर पार्टीज एंड वेडिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. नॉट नाइट, मे बी ड्यूरिंग द डे ब्रंच विद योर गर्ल्स इफ़ यू लाइक. सो अगर आपके पास और कोई रिक्वेस्ट है, इफ़ यू वॉन्ट मी टू रिक्रिएट सम अदर लुक्स ऑफ सम अदर पीपल, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई डू दैट फॉर यू गाइज. आई प्लीज़ ट्राई टू डू दैट फॉर यू गाइज. बट आई थिंक ये इंस्पायर्ड लुक्स बड़े अच्छे होते हैं बिकॉज एक बार आप ट्राई करो तो आपको रियलाइज होता है कि ठीक है आपको उसको वेयर करना है नहीं करना है एंड हाउ इट वर्क्स फॉर यू. एंड आई थिंक आई विल see you in my next video. Later, bye.